हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ ग्रीन स्टोन में कलर ग्रेड करने वाले हैं, और इस वीडियो में आपको उसका प्रीसेट भी दूंगा जो कि आपका लाइट रूम का वर्क पूरा खत्म कर देंगे। तो जल्दी से आके इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को दो सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको शेयर करना है अपनी फोटो को लाइट रूम ऐप के अंदर। ये है लाइट रूम, मैं यहाँ से शेयर कर लेता हूँ, मैंने जो कि ऑलरेडी करी हुई है। ओके, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमको कुछ एडजस्टमेंट करना है इसमें। अभी हमारी फ़ोटो कुछ ऐसी है, मतलब डल सी लग रही है ना थोड़ी, तो बहुत ही बढ़िया बनाने वाले हैं अभी हम। सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टमेंट करना, सबसे पहले हम चलेंगे लाइट में और इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसकी एक्सपोजर को कर रहे हैं -30 और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डालने से भी काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है, थोड़ी डार्कनेस से आती है। और हाईलाइट को कर लेंगे कम। मैंने कॉन्ट्रास्ट को 10% बढ़ाया और हाईलाइट को 30% माइनस किया, और शेडो को हम बढ़ाएंगे, और शेडो को हम रखेंगे 34% रखा है, और वाइट को बढ़ा लेंगे ताकि जो हमारे वाइट पार्ट है वो सारे थोड़े और वाइट हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको बढ़ा लिया 22%, और ब्लैक पार्ट को थोड़ा सा हल्का सा माइनस किया है, -4%। और हम चलेंगे इसके साइड वाले उसमें। यहाँ से आप देखो, विवरेंस को बढ़ाते हो तो सेचुरेशन बढ़ती है, अगर आप सेचुरेशन को बढ़ाते तो भी सेचुरेशन, लेकिन क्या होता है कि मतलब सेचुरेशन को बढ़ाते तो ओवरऑल फोटो की हमारी सेचुरेशन बढ़ जाती है, लेकिन विवरेंस में वह मात्र वो बढ़ती है, कलर यहाँ पर पॉपअप होते हैं जो इसमें कम है थोड़े से। तो आप, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि विवरेंस ही बढ़ाएं आप, उसकी सेचुरेशन को ना छेड़ें, या फिर उसको कम कर लें थोड़ा सा, तो वो भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद हम चलते हैं मिक्स टूल में। सबसे फर्स्ट जो कलर है उसमें बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, हल्का सा। इसका सेचुरेशन मैंने 4% रखा है, और इसकी ल्यूमिनेंस में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, अराउंड 50%। और ये हमारा बहुत मेन कलर होता है, क्योंकि ये हमारा फेस का कलर होता है, तो इसकी मैं थोड़ी ऑपोसिटी मैंने ह्यू मैंने -3 रखा है, और सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, -10 के करीब रखा है, -12 रखा है। ओके, 10 ही है, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना होता है कहाँ पर सही लग रहा है काफ़ी। ठीक है, तो -11 रखा है हमने यहाँ पर, और ल्यूमिनेंस को बढ़ा लूँगा। ये आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कहाँ पर हमको सेचुरेशन कम करना है, क्योंकि फेस में तो यही होगा। और इसका येलो कलर हम देखते हैं, इसका टोन हम कर लेंगे माइनस के साइड, क्योंकि थोड़ा सा ऑरेंज टोन आ जाएगा हमारी फ़ोटो में, मतलब कि फेस पर आ जाएगा, और जो पीछे ट्री दिख रहा है उस पर भी हमारा हल्का सा टोन डल जाएगी, क्योंकि अगर मैं ग्रीन कर रहा हूँ तो पूरा फेस भी ग्रीन हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको थोड़ा सा माइनस साइड रखेंगे। ओके, -40 रखा, और सेचुरेशन को आप बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10% बढ़ा लिया, और ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे 25%। देन उसका चलेंगे हम ग्रीन में, जो कि मेरी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा है। आप दोनों रख सकते हैं, ये वाला टोन भी रख सकते हैं जो कि थोड़ी ऑरेंज सी टोन होती है, लेकिन आज मैं ग्रीन टोन रखूँगा क्योंकि मेरी फ़ोटो में ग्रीन टोन भी शूट हो रही है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन टोन रखी है, तो मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया है 56% तक, उसकी सिचुएशन मैंने कम कर दी ताकि ना ज़्यादा भी वो दिखे, ना ग्रीन ही ग्रीन ना हो जाए मेरी फ़ोटो में। ठीक है, तो मैंने -31 रखा है, और ल्यूमिनेंस को भी कम कर लिया है, कैसा लग रहा था मेरा जो बैकग्राउंड था काफ़ी ब्राइट था वो, तो मैंने थोड़ा सा उसको ल्यूमिनेंस कम कर लिया उसका। ठीक है, उसके बाद ये वाला कलर आप छेड़ सकते हैं जबकि आपके पास क्लाउड हो पीछे, क्योंकि क्लाउड में ये वर्क करता है, तो इसमें मैं सिचुएशन माइनस कर दी। आप भी सिचुएशन माइनस कर सकते हो, उसका ह्यू भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ये मेरा बेसिकली शर्ट का कलर है, तो मैं उसकी ल्यूमिनेंस की तो ह्यू को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, और सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ 13%, और ह्यू को मैंने रखा है 12%। ओके, उसके बाद ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा दिया ताकि चमक थोड़ी सी हमारे कपड़े में आ जाए। ओके, तो 24% मैंने इसको बढ़ा दिया है, 21%। उसके बाद ये दो कलर मेरे इस फोटो में तो है नहीं बेसिकली, तो मैं ना इसमें मतलब माइनस ही कर दूंगा, दोनों सेचुरेशन माइनस कर दूंगा, क्योंकि हमको ये वाली टोन चाहिए नहीं है, तो फिर हमने इसको माइनस कर दिया। ओके, अगर आपके शर्ट वर्ट का कलर हो तो ज़्यादा आप माइनस ना करें। आप यहाँ से टेम्परेचर को माइनस कूल रख सकते हो या फिर वार्म भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना हमको। उसके बाद टेक्स्चर में चलेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर, और टेक्स्चर बढ़ाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाना हमको, थोड़ा सा हम बस बढ़ाएंगे यहाँ पर। मैंने वैल्यू रखी है 5, और क्लियरिटी भी बढ़ा देंगे थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाएंगे बस। ओके, मैंने 11% रखी है यहाँ पर, डीएस को थोड़ा सा 6% तक लेके चलते हैं हम, 8 7, ओके 7 सही लग रहा है, 5 रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और विग्नेट को कम, ये बहुत इसको डालते से ना हमारी फ़ोटो की बहुत ही बढ़िया लुक हो जाती है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया हो गया लुक, ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी रख सकते हो कि हमको कितनी विग्नेट रखना है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा रखो आप,
काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि मैंने इसमें देख सकते हो आप मैंने 66 रख लिए और मिड पॉइंट और इसका फेदर पूरा कर दिया मैंने यहाँ पर 86 कर दिया ओके। और आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना और स्क्रॉल के बाद ग्रीन अमाउंट जो दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा छेड़ेंगे ओके। थोड़ा फेदर बढ़ा लेता हूँ मैं, 94 रख लिया है। और ये ग्रीन अमाउंट जो है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी बढ़िया नॉइस ये हमारी फोटो में डाल देता है। इसके 7% रखेंगे और साइज का कर देंगे पूरा कम, ठीक है 1% कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसका चलेंगे इसके साइड वाले ऑप्शन में क्योंकि यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका हमारा। इसकी स्प्लिट टोन हम अभी डालेंगे, तो अभी हम इधर साइड वाले ऑप्शन में आते हैं और शार्पनिंग को हम बढ़ा लेंगे क्योंकि शार्पनिंग डालने से बहुत ही बढ़िया फोटो हमारी हो जाती है। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ 61% तक ओके। 62% रख लिया मैंने यहाँ पर। और आप नॉइस रिडक्शन को 20% रख सकते हैं, 21-20%। क्या होता है इसमें पूरा नॉइस जो होता है वो चले आता है और हमने ग्रीन अमाउंट डाला तो ग्रीन से हमारा वापस से आ जाता है जो रियल होता है नॉइस। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल में जाके यहाँ पर विगनेट 10 चूज़ करना है ओके। ये है जो 10, इसका हम इतना वो नहीं रखेंगे, काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है लेकिन इसका हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन हम इसमें 30% के अराउंड रखेंगे। 40 भी बढ़िया लग रहा है लेकिन हम इसके रखेंगे 30%, ठीक है। थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ इसमें, ओके गाइस। तो 30% हमने रख लिया, बहुत ही बढ़िया हो गई ये लुक। तो ये वाली हमारी स्टेप ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और आप स्प्लिट टोन भी डाल दें, यहाँ पर बस एक स्टेप और बची, तो इसको थोड़ा सा आपको आगे लेके आना है कल से। ये आपको जो सर्कल टाइप का दिख रहा है उसको ग्रीन पे लेके आके रखेंगे जो कि 149% ह्यू है। और सिचुएशन को इतना नहीं रखना है, हमको थोड़ा सा बस बढ़ाना है। तो पर मैंने 14 बस रखा है और यहाँ से सिंपली यहाँ पर है वहीं से थोड़ा सा उसको ऊपर उठाएंगे, सिचुएशन को बढ़ाएंगे। ह्यू देखो 1 है और 4% रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। और बैलेंस को हम देख लेते हैं, 8% आई थिंक सही है, हाँ 8% आपको रखना है, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइट रूम। और ये आप प्रीसेट में भी कर सकते हो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसमें कि प्रीसेट में हमको यही की यही कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे एक्सपोर्ट और यहाँ से कर देंगे लार्जेस्ट अवेलेबल डायमेंशन, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो, वैसे आप किसमें पहले से सेलेक्ट होगा शायद। यहाँ से हमारी फ़ोटो हो चुकी डन और आपको फिर से इसको लेके चलना है फिर स्नैपसीड में, ओके गाइस। तो हमारी फ़ोटो आ चुकी है स्नैपसीड में, आपको टूल्स पर क्लिक करना है और उसके बाद हम सबसे पहले पोर्ट्रेट मतलब स्किन स्मूथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट के ऑप्शन पे आके इसकी फेस स्पॉटलाइट को कम करना है और आइस क्लियरिटी को थोड़ा सा हम बढ़ा के देख लेते हैं कितना सही लग रहा है। 50% सही है। और स्किन स्मूथिंग को कर लेंगे हम फुल, क्योंकि काफ़ी बढ़िया स्किन स्मूथ हो गई हमारी यहाँ पर, ओके। यहाँ पर पहले हमारी कुछ ऐसी थी और अभी ऐसी हो गई है, काफ़ी बढ़िया चेंज आया है इसमें। और यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। हमारी एक मेथड मतलब स्टेप हो चुकी है डन। उसके बाद हमको फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और टूल्स पे क्लिक करने के बाद ब्लड ये वाली स्टेप आप कर सकते हो स्किप, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना ज़्यादा कहीं कहीं पे मास्क दिख रहे थे तो मैं उसके लिए लेंस ब्लर डाला, आप नहीं भी डालो तो चलेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने लेंस ब्लर पे व्यू एडिट पे आके लेंस ब्लर को क्लिक किया और मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैं इसके लिए बस डाला इसको। आप इसको स्किप कर सकते हो ओके, बाकी तो कहीं नहीं है। तो मैंने वहाँ से कर दिया राइट, टूल से फिर से क्लिक करना है आपको और अब आपको डॉज इन बर्न का डालना है इफेक्ट। ये भी काफ़ी नॉर्मल सा होता है बट बहुत ही बढ़िया देता है। और डॉज कर लेना आपको 5% 10 भी नहीं रखना है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि। और जहाँ जहाँ पे आपको लाइट चाहिए वहाँ वहाँ पे आपको कर देना है इसको पेंट, ओके। जैसे कि मेरे को यहाँ यहाँ पर चाहिए थी इसकी लाइट साइड में थोड़ा कॉर्नर पर, तो वहाँ पर मैंने इसको सिंपली पेंट कर दिया ओके। और यहाँ पर बर्न का -5 रख के बर्न कर सकते हैं, यहाँ पर हमको डार्क चाहिए यहाँ पर, और साइड में भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक आती है इससे। फोकस थोड़ा बढ़ जाता हमारा कि सेंटर में फोकस आता है इससे हमारा। और मैं थोड़ा डोज भी दे देता हूँ यहाँ से ओके। आप इरेज भी कर सकते हो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू रहेगी वहाँ पर लेके। और मैं थोड़ा सा बियर्ड में भी दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी ब्राइट पार्ट दिख रहा है वहाँ पर भी, स्किन स्मूथ हो गई है तो ओके। देख सकते हो आप कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हुआ है हमारी फ़ोटो में जो कि काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आपको डन करके टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको चलना है ग्लेमिश ग्लो पे। और ये ना बहुत सारे हमारे पास मिल जाएंगे लेकिन हमको सेकंड वाला चूज़ करना है। और इसकी ग्लो को हम इतना नहीं रखेंगे, ग्लो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे अराउंड, इसको हम रखेंगे 40 ओके। 60 हमने यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हो इसमें हल्का सा लुक आता है लेकिन काफ़ी बढ़िया आता है इसमें भी लुक। यही छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट होती है हमारी फ़ोटो में जो कि काफ़ी बढ़िया हमारी फ़ोटो को बना देती है। ओके आप देख सकते हैं पहले कुछ ऐसा था और अभी कुछ ऐसा हो गया जो कि काफ़ी हद तक बढ़ गया है।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से मैं इसमें सेलेक्टिव टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं कहीं हमारी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा, इसकी सिचुएशन देखो बहुत ज़्यादा लग रही थी इस पार्ट की मेरे को, तो सिंपली उसको क्लिक करके यहाँ पर उसकी सिचुएशन को माइनस कर दिया हल्का सा। ओके, आप देख सकते हैं इसमें मिल गई है, इसमें मर्ज हो गई है, और कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा था वहाँ का पार्ट इसलिए, और मेरे को यहाँ का भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा डल है, तो यहाँ से भी मैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा लूँगा, और यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो इसकी कर लूँगा कम ब्राइटनेस को। ठीक है, तो ब्राइटनेस को, हाँ ब्राइटनेस को हम इसकी कम कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, माइनस कर लिया 50% क्योंकि वहाँ पर बढ़िया लग रहा था वो। उसके बाद आपको फिर से टूल्स पे क्लिक करना, और अब डालेंगे हम थोड़ी सी डिटेल लेके आएंगे, तो डिटेल के लिए स्ट्रक्चर को आपको 8% बढ़ाना, ज़्यादा नहीं, और यहाँ से हो चुकी हमारी पूरी स्टेप डन। ओके गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस प्रीसेट की, वहां से आके उसको डाउनलोड कर लो और एक्सपोर्ट कर लो लाइट रूम में। ये है लाइट रूम जो कि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है तो मैं यहां से नहीं करूंगा, और आपको फिर लाइट रूम में आ जाना और उसको जो प्रीसेट दिया उसको ओपन करना है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगाएगा बट आपको फिर ठीक है, ये थोड़ा बियर्ड दिख रहा है बट अभी अच्छा लगेगा ये हमारी जब फोटो पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसकी जो कॉपी सेटिंग्स लिखा है वहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा ये कॉपी मतलब पहले से ही मार्क आएगा। ठीक है, टूल्स ये वाला ऑप्शन नहीं करें तो ठीक है, बाकी राइट करके बाकी वापस बैक आया और जिस फोटो पे आपको करना है, जैसे कि ये वाली फोटो जो थी मेरी, यहाँ पर मैं 3 डॉट पर वापस से क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर दूंगा और एक ही क्लिक में हमारी पूरी फोटो हो जाएगी मतलब एडिट। बट इसमें क्या होता है कभी कभी, इसमें आप ना विग्नेट थोड़ी ज़्यादा कर लेना क्योंकि मैंने कम कर दी थी वापस से, इस कारण से हो नहीं पाई ये बात। वापस को आप ज़्यादा कर लेना, माइनस ज़्यादा कर लेना, ठीक है 75 तक रख लेना। और आपको मैं दूसरी फोटो में भी करके दिखा देता हूँ, बाकी हमारी फोटो एक ही क्लिक में एडिट हो गई, इसमें हमको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन क्या होता है कि प्रीसेट डालते से कभी कभी एडजस्टमेंट करना हो जाता है, तो मैं आपको इस फोटो पर डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट सेटिंग करा और आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया, बट इसमें ना कहीं कहीं अच्छा सा नहीं लग रहा, इसके लिए आपको मैंने मैन्युअली बताया था। लेकिन अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा आप इसमें एडजस्ट कर लो, जैसे कि इसमें थोड़ा सा सिचुएशन ज़्यादा लग रही है ग्रीन कलर की, तो वहाँ से आप माइनस कर सकते हो। और ना विवरेंस जैसे कि है, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये कलर हम इसका जो पेंट का कलर हल्का सा उसको डाउन कर लेंगे या फिर प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। और ये वाला कलर भी हम फेस का कलर इसका छेड़ सकते हैं अगर हमको लाइट डार्क चाहिए, क्योंकि वो अपने फेस के अकॉर्डिंग होगा। और विवरेंस को थोड़ी कम कर देंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ पॉपअप हो रहा है कलर, दैट्स व्हाई। और सिचुएशन को भी हल्की सी माइनस कर देंगे क्योंकि ग्रीन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, और ग्रीन की आप पर्टिकुलर सिचुएशन को माइनस कर सकते हैं। बाकी तब बढ़िया फोटो एडिट हो गई हमारी बन क्लिक में हुई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना अगर कोई प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।